खाने ब्लॉक में आपका स्वागत है। तो सचिन महाराष्ट्र में आ चुका है, हमने वेलकम पार्टी भी कर दी सचिन की। तो इसके बाद कंपटीशन है कोल्हापुर में, और सबसे पहले हमारे कुल देवता ज्योतिबा, तो पहले हम ज्योतिबा जाएंगे, ज्योतिबा होते हुए फिर कोल्हापुर में आएंगे, और कंपटीशन है कोल्हापुर में। तो चलो चलते हैं, आपको कोल्हापुर ले चलते हैं। तो भाई उसको आशीर्वाद दे रहा, हाँ भाई के पैर झुके आशीर्वाद लिया इसने। यशस्वी भव, मेरी सिखाई सारी ट्रेनिंग। बड़े भाई ने बड़ी मेहनत की है। सामने ज्योतिबा टेम्पल है उस पहाड़ी पे, ये देखो यहाँ पहाड़ी पे ज्योतिबा टेम्पल है, और हम रुके हुए हैं यहाँ रिसॉर्ट में, थोड़ा सा चाय पानी करते हैं। ये है दक्षिण कोपे, तो ये है, तो ये एक चीज़ और देखने को मिलेगी हमें यहाँ। ये जो गमले लगे हैं ना, ये इस गमले में हरा धनिया लगाया हुआ है, ये देखो ये धनिया लगा हुआ है, ये देखो। लोग गमलों में फूल लगाते हैं, लेकिन इन्होंने धनिया लगा रखी, ये देखो। तो हमने मंगाई है मैगी और चाय, और एक और खासियत है यहाँ पे, मैगी के ऊपर आपको धनिया खुद लेनी पड़ेगी, जो भी यहाँ लगी हुई है यह धनिया, तो ये धनिया निकालो यहाँ से। और यह धनिया मैगी पे डालो, ओरिएंटल फ्री, थोड़ा साफ कर लेते, गार्लिशन हो रही है। आप करते हैं चेक कैसे बनी है। ओके चलो स्टार्ट। अब यहाँ से हम दही पापड़ी ले रहे हैं, गोल गप्पे दही पापड़ी, ठीक है जा रहे बटाटा, हाँ ये आलू की सब्जी है, और इसके अंदर डालेंगे मकई, हाँ पापड़ी डालेंगे थोड़ी थोड़ी, उसके बाद भगाव डलेगा दही, और ये डल रही है चटनी, हरी पुदीने की चटनी, और ये है इलायची की चटनी। ओ वाह, ये यादगार रहेगा हमें दक्कन के दरवाजे में, ये चीजें हमें मिल रही है, और इसके ऊपर डलेगा ये भुजिया, वो भी हल्दीराम की भुजिया, और उसके ऊपर प्याज, और फिर उसके ऊपर फिर दही। वाओ क्या मस्त है। वाओ।
और गार्लिक सिर्फ 3 चम्मच। सर चेक करना महाराष्ट्र की चीज आपको कैसी लग रही है। हम हरियाणा के तो खा ही लेते हैं, मस्त है। ओके, तो हमने गन्ने का जूस तो ले लिया, लेकिन सचिन ले नहीं सकता क्योंकि इसका आज कंपटीशन है। तो कंपटीशन है इसलिए आज दक्कन के राजा का दर्शन पहले करवाएंगे, क्योंकि हमारा कुल दैवत है, तो पहले उसका दर्शन करके आशीर्वाद लेके फिर हम कंपटीशन में जाएंगे। दर्शन के लिए हम थोड़ा शॉर्टकट से आए हुए हैं। ये देखो, हम थोड़ा मुख दर्शन करके फिर निकलेंगे। ये देखो, ये है मंदिर ज्योतिर्लिंग दर्शन। म्युझिक पोझिंगसाठी जर कोण करणार असेल तर स्टेज मार नंबर 88 ला सचिन चव्हाण। सचिन चव्हाण जिल्हा कुठला? तासगाव, सांगली चे खेळाडू आहेत। तर या ठिकाणी 75 किलो वजनी गटातील सर्व खेळाडूंची ओळख करून झालेली आहे। फोर पोर्शन एकाच वेळेला सगळं दिसलं पाहिजे व्यवस्थित। रिलॅक्स, सेम पोज, बॅक डबल बायसेप, हॅमस्ट्रिंग विथ काप मसल, रिलॅक्स। शेवटची पोज ऍबडोमिनल विथ थाय मसल। सर्व गट विजेते यांच्यातून या वर्षीचा टायटल विजेता कोण ठरतोय ते पाहायचं आहे। रिलॅक्स।